भागलपुर के पुलिस जिला नौगछिया के गोपालपुर थाना क्षेत्र के 83 गांव के समीप तेज गति से आ रहे अनियंत्रित बाइक के चपेट में आने से एक व्यक्ति बुरी तरीके से जख्मी हो गया, जिसे इलाज के लिए गोपालपुर PHC में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उसकी हालत चिंताजनक देखते हुए बेहतर इलाज के लिए भागलपुर के मायागंज अस्पताल रेफर कर दिया, जहाँ इलाज के दौरान 83 गाँव निवासी सच्चिदानंद सिंह की मौत हो गई। घटना के बाबत मृतक के पुत्र अभिनंदन कुमार ने बताया कि उसके पिता आम के बगीचे से वापस लौट रहे थे, इसी दौरान गांव के समीप शराब के नशे में धुत बाइक सवार द्वारा उनको जोरदार टक्कर मार दी गई। ग्रामीणों ने स्थानीय पुलिस की मदद से घायल सच्चिदानंद सिंह को अस्पताल पहुंचाया, जबकि शराब के नशे में धुत बाइक सवार को पुलिस के हवाले कर दिया गया। सिंह और अपने आम के बगान से निकल के घर की तरफ आ रहे थे, सड़क के बिल्कुल किनारे। बूढ़े आदमी थे, 70-72 साल उम्र रही होगी। पीछे से एक मोटरसाइकिल बहुत तेज़ रफ्तार से बिल्कुल ही लापरवाही से चलाता हुआ आके धक्का मारा। गिरने पे ग्रामीण लोग उसको पकड़ा और हम जो थे अपने बाबूजी की तरफ दौड़े, तो ग्रामीण लोग एहसास हुआ कि पिए हुए हैं। प्राथमिक उपचार के लिए हम लेके गए सरकारी PHC। तत्काल जो है हमारे गोपालपुर मतलब थाना से गश्ती दल जो है बाज़ार को कोरोना काल में जो बंद कराने के लिए, ताकि समय से नियमानुकूल जो पालन हो, मौके पर पहुंची, वो उसको उठा के लेके गई और फिर हमें भी मदद किया उन लोगों ने, ताकि सरकारी अस्पताल पहुंचे और वहां से फिर एम्बुलेंस वगैरह करवा के हमें यहां तक पहुंचाया गया। घटना स्थल कहां पे है? 83 पश्चिम टोला थाना गोपालपुर पोस्ट सुफिया बाज़ार। आपके पिताजी का नाम? सच्चिदानंद सिंह। आपका परिचय? मेरा अभिनंदन कुमार। आप कौन है? हम उनका बेटा हैं। अभी वो लोग बाइक सवार वाला शायद पुलिस की कस्टडी में है, हम तो अपने बाबूजी को घर लेके चले आए, तो उधर की कार्यवाही का तो हमें पता नहीं, लेकिन सुन रहे हैं कि वो पुलिस की कस्टडी में है।